2021 के स्टार्टिंग में जीप कंपनी ने कंपास के फेसलिफ्ट मॉडल को इंडिया में लॉन्च किया था, जिसको तो शुरुआत में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला इंडिया में, लेकिन उसके बाद उसके सेल्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा रखी थी, लेकिन उस प्राइस रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे इंडिया में। इस वीडियो के अंदर मैं जीप के अपकमिंग कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है, और ये कारें डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च होने के बाद तबाही मचाने वाली है। इनमें से एक कार ऐसी भी है जो कम्पीट करेगी मारुति सुजुकी विटारा, ब्रेजा के साथ, हुंडई की वेन्यू के साथ, किया की सोनेट, इसके अलावा टाटा की नेक्सॉन, इन कारों को ये कार टक्कर देने वाली है। और इस कार के अंदर पहली बार आपको 4x4 का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। वो कौन सी कार है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जो सबसे पहली कार आती है जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है जीप की तरफ से, वो है रेनेगेड। इस कार का इंतजार लोग काफी लंबे समय से कर रहे हैं और इस कार के अंदर काफी कमाल के फीचर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। हालांकि इसका एक्सटर्नल लुक काफी जबरदस्त है, इसका जो फ्रंट फीशा है दिखने में काफी कमाल का लगता है। इसके अंदर आपको सर्कुलर फॉर्मेट में हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा, वर्टिकल फॉर्मेट में ग्रिल्स भी दी गई है इसके फ्रंट फीशा में, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। हालांकि ये एक छोटी सी कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है जिसको सबसे पहले 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका इंटीरियर भी जबरदस्त है और इस कार के अंदर आपको 4x4 का सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। जीप कंपनी इसको इस साल में रिवील कर सकती है या फिर इसको इस साल के एंड तक लॉन्च भी किया जा सकता है। इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है इंडिया में लॉन्च होने के बाद, वो लगभग 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सट्रीम प्राइस। शायद कंपनी इसको क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट में उतार सकती है। वही जो सेकेंड नंबर की कार आती है जीप की तरफ से आने वाली, जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, वो है जीप की मेरिडियन। ये कंपास का 7-सीटर मॉडल रहने वाला है जिसको टेस्टिंग के दौरान बहुत बार स्पाइड भी किया जा चुका है, कुछ इमेजेस या फिर वीडियोस में डिस्प्ले कर दूंगा। इसके अंदर भी बड़े अपडेट्स करे जाएंगे एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, और इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर भी चेंजेस करे जाएंगे एज कम्पेयर टू जीप की कंपास, क्योंकि ये एक 7-सीटर एसयूवी कार होने वाली है तो इसके डायमेंशंस चेंज होने वाले है। जीप कंपनी इस कार को मार्च 2022 तक इंडिया में रिवील कर सकती है, जून 2022 तक इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताई जा रही है। और इसकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सट्रीम प्राइस। अगर जीप कंपनी को इंडिया में सर्वाइव करना है तो अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की जरूरत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जीप की कारों के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाएगी, सेफ्टी के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, और ऑफ रोडिंग के बहुत सारे फीचर्स भी दिए जाते हैं जीप की कारों के अंदर। उसी वजह से जीप की कारों की कीमत थोड़ी सी ज्यादा रहती है और उनके सेल्स भी कम होते हैं, तो ये मेन रीजन है। वही जो नेक्स्ट कार आती है जीप की तरफ से जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है, वो है ग्रैंड चिरोकी। जीप कंपनी ने इस कार को सबसे पहले 1992 में लॉन्च किया था। ये एक मिड साइज एसयूवी कार है, इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और इसका एक्सटीरियर लुक काफी जबरदस्त है। फ्रंट से और रियर से दिखने में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसका रोड प्रेजेंस काफी कमाल का रहने वाला है। बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि जीप कंपनी इस कार को फेस्टिव सीजन के आसपास इंडिया में लॉन्च कर सकती है और इसकी कीमत 50 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वही जो नेक्स्ट कार आती है जिसको जीप कंपनी इसी साल इंडिया में लॉन्च करने वाली है, वो है एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली एसयूवी कार। जीप कंपनी ने इसको एक कोड नाम दिया है 526। हालांकि इसकी टेस्टिंग चल रही है, इसको इस साल के एंड तक इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये पहली ऐसी एसयूवी कार रहने वाली है सब 4 मीटर सेगमेंट में जिसके अंदर आपको 4x4 का सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया है कि इस कार के अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे कि कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर इसके अंदर दिया जाएगा, बड़ा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अंदर सनरूफ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी के फीचर्स आपको जीप की इस अपकमिंग एसयूवी कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, लेकिन जीप की कार की एंट्री होने वाली है जो कि कम्पीट करेगी टाटा नेक्सॉन के साथ, किया की सोनेट के साथ, नई ब्रेजा के साथ ये कम्पीट करेगी। इसके अलावा बाकी के कारों के साथ इसका मुकाबला रहने वाला है। इसकी जो लॉन्चिंग बताई जा रही है वो लगभग सितंबर 2022 तक इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 7 या फिर 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। हालांकि इसके अंदर 4x4 का सिस्टम दिया जाएगा, लेकिन जीप कंपनी उसको टॉप मॉडल के अंदर ऑफर करेगी जिसकी कीमत लगभग 15 या फिर 16 लाख रुपए के आसपास रहेगी। वही जो लास्ट कार आती है जिसको जीप कंपनी इसी साल इंडिया में लॉन्च करने वाली है, वो है कंपास का ट्रेलहॉक मॉडल। हालांकि ये कंप्लीटली नया मॉडल रहने वाला है जिसके एक्सटीरियर में चेंजेस करे जाएंगे, लाइटिंग सेटअप को थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता है, इसके अलावा इसके इंटीरियर के कुछ फीचर्स को अपग्रेड भी किया जा सकता है। और जीप कंपनी इस मॉडल को फेब या
फिर मार्च 2022 तक यानी अगले महीने इंडिया में लॉन्च कर सकती है। तो इन 5 कारों को जीप कंपनी 2022 में इंडिया में लॉन्च करने वाली है। हालांकि इनमें से कुछ कारें ऐसी भी है जिनकी लॉन्चिंग थोड़ी सी आगे भी जा सकती है, लाइक 2023 के स्टार्टिंग में भी इनको लॉन्च किया जा सकता है या फिर इसी साल जीप कंपनी इन कारों को लॉन्च कर सकती है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताई जा रही है। और आप इनमें से किस कार का वेट कर रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।